अच्छा इन्वायरमेंट हुआ है। पठान 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 ने कहीं ना कहीं मुझे भी गलत साबित कर दिया, गलत साबित इस टर्म्स में किया कि मैं खुद सोचता था कि अभी थोड़ी पिक्चर है जब थिएटर में लोग नहीं जाते, तो मैं सोचता था कि यार ये कोविड ने ना लोगों को आलसी कर दिया, कोविड ने लोगों को अभी मोबाइल पे ही सब कुछ देखने की आदत डाल दी है, तो अभी सिनेमा में कोई नहीं जाएगा। बट वो चीज़ चेंज हो गई कि भाई मूवी इतनी तगड़ी बना दो, और शाहरुख खान की फैंडम ही वो है कि लोगों को जाना ही है देखने, और पिक्चर मैंने देखा, पिक्चर अच्छी लगी, और लास्ट वाला जय हिंद तो मतलब सीटियाँ ही तालियाँ सीटियाँ पैसे उड़ रहे भाई, तो इतनी अच्छी मूवी बना है और इंडिया में इस तरह का एक्शन मूवी बन रही है कि हम जब हॉलीवुड की मूवीज को देखते हैं ये सब चीज़ें, हम बोलते हैं इंडिया में ऐसी पिक्चर नहीं बनती, बट हम आ चुके हैं। इसके अलावा लॉकअप टू को लेके अगर कुछ कहना रहेगा तो आप क्या कुछ कह रहे हैं, फैंस चाहते हैं लॉकअप टू भी हो और आप दिखे फिर से उस शो में कुछ? बिल्कुल, जब होगा तो डेफिनेटली जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा। लास्ट टाइम आप खतरों के खिलाड़ी में आप जाने वाले थे और बिकॉज़ ऑफ पासपोर्ट इशू ऐसा लग रहा था कि अभी की बात है। हां तो साल भी हो गया, वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व आउट हो चुकी है, आपने इसके बारे में कुछ? हां वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुकी, मतलब आप अभी जा सकते हैं, ग्रीन सिग्नल हो चुका है। नहीं जरूरी थोड़ी है कि मेरा पासपोर्ट है तो मैं वहीं जाऊं। नहीं लेकिन हां मुनावर, इसके अलावा मुंजुली फैंस को अगर कुछ कहना है काफी चाहते हैं कि आप और अंजलि कोलैब करें, अगर कुछ अगर फैंस को, क्योंकि हर एक गाने के नीचे कमेंट में लिखते हैं कि हमें चाहिए। डेफिनेटली भाई वो लगता है मेरे को, अभी दो दिन पहले बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई शाहरुख खान का पिक्चर कब आ रही है ना, तो शाहरुख खान मेरे साथ कर नहीं ले। बट मुंजुली फैंस को क्या बोलना चाहूँगा? मैं यही बोलना चाहूँगा कि चीज़ होती है जो साथ में काम करने आप दोनों को एक साथ लेकर आए, और रही बात एज अ एक्टर कोई गाना करने की तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। मैंने दो गाने किए, हल्की सी बरसात और एक तू ही, उसके बाद